दोस्तों आज की इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं पूरे 1.5 लाख का बैटरी यूज करने वाला हूं। हो सकता है कि ये बैटरी एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्लास्ट हो जाए या खराब हो जाए कुछ नया आविष्कार। तो चलिए आज के इस कमाल के एक्सपेरिमेंट के लिए इस 1.5 लाख की बैटरी को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है वो वाला पावरफुल बैटरी। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। भैया हम लोग अपने तरीके से इसको अनबॉक्सिंग किया जाएगा। ओ भाई साहब बराबर। ओ ये तो भारी है। गलत है। ये है वो पावरफुल बैटरी। इसमें है ये मोटा सा केबल, इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। भाई ये कितना भारी है, ये उठाइएगा जरा। लगता है कि 45 केजी होगा। दोस्तों ये है लिथियम आयन बैटरी। इसमें लिथियम सेल का यूज किया गया है और ये 48 वोल्ट और 100 AH का है। जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, इससे हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं बिना वेल्डिंग मशीन का यूज किए। और ये अगर इससे वेल्डिंग होता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कहीं भी ले जा करके इससे वेल्डिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और प्लस अगर हम लोग इसे सोलर से चार्ज करते हैं तो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और अगर वेल्डिंग की दुकान है या वेल्डिंग करना है तो हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा तो काम है एक्सपेरिमेंट करना कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें दोनों में वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ और डायरेक्टली वेल्डिंग करके देखते हैं क्या होता है, कि ब्लास्ट हो जाता है या वेल्डिंग होता है। तो इसमें मैं निगेटिव वाले में ब्लैक कलर का वायर जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर निकल चुका है ये दो वायर। एक वायर में तो मैं वेल्डिंग होल्डर जोड़ दे रहा हूँ और दूसरे वायर से अर्थिंग दे करके हम लोग वेल्डिंग करना शुरू करेंगे। ये बहुत ही आसान है, देखते हैं क्या होता है। यार मुझे भी नहीं पता है, हो सकता है कि ये ब्लास्ट हो जाए। नाउ रेडी। तो यहाँ से हम लोग इस पर रखेंगे और वेल्डिंग होना शुरू हो जाएगा। सेफ्टी के लिए चश्मा पहन ले रहा हूँ और यहाँ से होगा ऑन। तो भाई साहब यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि ये खराब होगा या ब्लास्ट हो जाएगा या होगा वेल्डिंग। तो देखते हैं क्या होता है। अभी ऑन हो चुका है। रेडी 1 2 3 ओ ओ ओ माय गॉड, ये क्या होगा। ओ दोस्तों इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि अगर अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है तो ये बंद हो जाएगा। इसमें ऑटोमेशन सिस्टम है, लेकिन हमें यहाँ पर तो बनाना है वेल्डिंग मशीन, इस तरह से तो ये काम ही नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर प्लान बी यूज करने वाला हूँ और फिर देखते हैं इससे वेल्डिंग मशीन बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ले लिया हूँ 1 बाल्टी पानी और नमक, पूरे 1 किलो नमक का यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक वायर को मैंने एक लोहे से जोड़ दिया है और इसको इस बाल्टी में रख दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। और फिर ये बैटरी के प्लस वाले वायर को मैं इसमें रख दे रहा हूँ इस तरह से, देखिए। ओके, इस तरह से हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक रेड वाला वायर इस बाल्टी में गया और इस बाल्टी में से फिर एक वायर इस होल्डर तक आया और यहाँ पर ये ब्लैक वायर है। अब हमारा जो वेल्डिंग मशीन है वो तैयार हो चुका है। अब बारी है इसे टेस्ट करना कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा से ऑन कर दे रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा टाइम लेता है ऑन होने में। ऑन हो चुका है, तो अब देखते हैं। रेडी 1 2 3 गो। वो माय गॉड, यहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है। वो ओ भाई क्या बात है, बहुत ही मस्त वेल्डिंग हो रहा है। भैया कुछ लाइए तो इसको जोड़ के देखा जाए।
तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से जोड़ रहा हूँ और देखते हैं ये मजबूत होता है या नहीं। वाओ, एक लगातार भी वेल्डिंग हो जा रहा है, बहुत ही कमाल का ये। देखते हैं कितना मजबूत होता है। ओके, तो अब इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं ये मजबूत हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों अभी हम लोगों ने लगभग आधा रड का यूज किया है इस वेल्डिंग रड का और हमारा जो ये वायर है बैटरी का वो थोड़ा सा भी गर्म नहीं है। और इस वायर को देखते हैं, ये भी गर्म हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा भी गर्म नहीं हुआ है। और रेड वाला वायर भी थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ है इतना वेल्डिंग करने के बाद। अब इसे तोड़ के देखा जाए, अभी ठंडा हो गया, अरे गर्म है, देखते हैं। 1 2 3 काफ़ी मजबूत है। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में शाम हो चुका है और मच्छर काट काट करके हम लोगों का हालत ख़राब कर दिया है, तो यहाँ पर मैं एक रॉड को पूरा ही मेल्ट कर देने वाला हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है, हमारा बैटरी ख़राब होता है या नहीं होता है या वेल्डिंग अच्छा से हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, रेडी 1 2 3 गो। यहाँ पर देखिए लावा जैसा तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा सा एक वेल्डिंग हो रहा है। इसको मैं मेल्ट कर रहा हूँ। ओके, इस साइड वाले भैया इधर का साइड मेल्ट कर दे रहा हूँ वेल्डिंग से ही। दोस्तों वेल्डिंग से मेल्ट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है वेल्डिंग मशीन के लिए और यहाँ पर मैं मेल्ट कर रहा हूँ। ओ भाई यहाँ पर देखिए कितना बड़ा लावा गिरा है। ओ भाई साहब, मैं इस वेल्डिंग से ही इसको काट के गिरा दे रहा हूँ। वाओ, मैंने इसको काट के अलग गिरा दिया। वाओ, तो दोस्तों यहाँ पर ये रॉड पूरा तरह से यहाँ तक मेल्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए मैंने एक लोहे के टुकड़े को काट के अलग गिरा दिया इस वेल्डिंग मशीन का यूज करके। यहाँ पर देख रहे हैं ये काफ़ी गर्म होगा और इसे मैंने वेल्डिंग से ही काटा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बैटरी अभी भी थोड़ा सा भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, पूरा फुल का ही फुल है। 5 इंडिकेटर लगा हुआ है और 5 का 5 ही जल रहा है। यहाँ पर इमरजेंसी के लिए लगाया गया है, सॉरी ओवरलोड के लिए, क्या अलार्म के लिए यहाँ पर लगाया गया लाइट और ये भी नहीं ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस बड़े से बैटरी से। दोस्तों एक्चुअली में इस बैटरी का यूज हम लोग अपने घरों पर कर सकते हैं या ऑफिस में कर सकते हैं या दुकान पर कर सकते हैं, अगर छोटा मोटा दुकान है तो इससे चल जाएगा बहुत ही आसानी से, इससे एसी चल जाएगा और भी बहुत सारे काम इससे हम लोग ले सकते हैं। ये 5 किलोवाट का है, मीन्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है कि वेल्डिंग चल जा रहा है वो भी डायरेक्टली। इसमें हम लोग मात्र 10 रुपये का नमक यूज किया है और फिर इससे बन गया एक वेल्डिंग मशीन और वो भी पोर्टेबल, तो है ना कमाल का चीज़। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और ये जो बैटरी है ना वो लूम कंपनी का है, तो आप इस बैटरी के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लूम कंपनी के वेबसाइट से। और यहाँ पर देखिए ये जो बाल्टी है ना जिसमें हम लोग नमक डाले थे, इसका कलर देखिए किस तरह से हो चुका है। वो भाई साहब ये तो पूरा ब्लैक हो चुका है, क्या बात है। और आयरन जो इसमें हम लोग डाले थे वो कुछ इस तरह से हुआ है, देख सकते हैं इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है इस पानी में डालने के बाद। और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दोस्तों अगर आपके पास कोई आइडिया हो इस बैटरी से तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस बैटरी का यूज करके वो वीडियो ज़रूर से बनाने का प्रयास करूँगा। और इस बैटरी का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाइए और चेकआउट कीजिए और अगर आपको ज़रूरत है तो खरीदिए, ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, लिथियम आयन से बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।